अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल महरीन मदर व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:22 और बाहर फॉग देखें, बहुत ज़्यादा फॉग है आज भी। और ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं इस टाइम किचन में हूँ और नाश्ता सबने कर लिया है और अब मैं बर्तन वॉश करने लगी हूँ ठंडे ठंडे पानी से। तो इस टाइम मैं अभी किचन में हूँ और नाश्ता सबने कर लिया है। मैंने नहीं किया अभी नाश्ता, मैं 9 o'clock या 10 o'clock पे करूँगी। नाश्ता सबने कर लिया है और अबू को दवाई भी दे दी है खाने के लिए। अब मैं अबू के लिए पानी गर्म करने लगी हूँ जो कि इस बॉटल में डाल के दूँगी। बॉटल गर्म हो गई है, बब्बू को दे आते हैं। सुबह नाश्ते के बाद कुछ खा नहीं करने को और सर्दी भी बहुत है, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ठंड है। तो मैं बेड पे बैठी बैठी सो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं 12 बजे उठी हूँ और फिर नाश्ता किया और फिर मैंने सोचा कि आज धूप निकली हुई है, खिली खिली सी खूबसूरत सी धूप निकली हुई है, तो ऊपर चढ़ के थोड़ी सी ऊपर जाके थोड़ी सी धूप से एनर्जी को बहाल करते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है ठंड की वजह से। और जैसा कि आपको पता है गैस भी नहीं आ रही पाकिस्तान में, कहीं भी गैस की प्रॉब्लम है हर जगह। तो हीटर तो लगा नहीं सकते कि हीटर के आगे बैठ जाएं, इसलिए मैंने सोचा चलो धूप से फ़ायदा उठाते हैं और एनर्जी जो है वो गेन करते हैं धूप में बैठ के। क्या पता कल फिर से धुंध स्टार्ट हो जाए। मिली, हाँ बच्चे भी धूप भी आके खुश हो रही है। ओ शमाइलो, वो कार्टून देखती है ना, वो वाले ड्रैगन प्रिंस वाले, तो वो पत्थर रगड़ के आग ले फायर जलाते हैं। डायनासोर। अच्छा ये पुराने जमाने में ही जा रहे हैं, मुझे लगता है हमारा भी जो मुल्क है ना पत्थर जला के आग जलाती बड़ा करेगी। गैस का तो नामो निशान ही पाकिस्तान में रहा हुआ। वो देखो बेबी, वो देखो, हेलो बेबी। ये केला तो नहीं छत पे आ गया वह कहीं? अब आवाज दे रही थी मामा को। नहीं देखो कोई भी नहीं छत पे सामने, चार पे भी हो सकते बैठे हो। धूप इतनी हास तो नहीं रही है अभी तक, लेकिन ये है कि सूरज से जो है ना वो अच्छी वो लग रही है। ये फूल खा रही है? हाँ वो उनके साथ सामने घर वालों के फूल खाना शुरू हो गई है। देखिए आज स्पेशल गांव से साग आया है और बहुत फ्रेश साग है।
पालक इनका कलर बहुत ही फ्रेश है, बहुत फ्रेश है ये दोनों चीज़ें। तो ऊपर गए थे, ऊपर से जब नीचे आए तो गेस्ट आ गए, मेरी भाभी की मम्मी आ गई थी और वो गांव से स्पेशल हमारे लिए साग लेके आई हैं और ये बहुत फ्रेश साग है। फिर हम सब ने चाय पी इकट्ठे मिलके बैठ के और फिर साथ साथ साग भी बना लिया था। क्या पालक कभी रहती है बनाने वाली, इसको इंशाल्लाह ताला सुबह बनाएंगे क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ अब्बू के लिए रोटियाँ। हमारे घर बनी है मूंगी की दाल, मूंगी मसरों की दाल बनी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और डिलीशियस बनती है।